खजाना इसी जगह पे है। अरे पप्पू, ये टूटा हुआ मंडप या दीपक वगैरह लगता नहीं है यहाँ खजाना होगा? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इस टूटे हुए मंडप को देख के आपको शक हो रहा है क्या? यहाँ खजाना है ये बात 100% सच है, आपके माँ की कसम। ए, शक की कोई बात ही नहीं है, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। वैसे यार, ये जगह जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ मंडप के पास एक पेड़ तक नहीं है। इस मंडप के पास पेड़ लगाते भी हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, तो फिर पेड़ होंगे कहाँ से? हाँ पप्पू, एकदम 100% सही कह रहा है। इस गांव के होकर भी हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब छोड़ो यार, बेकार की बातों में पढ़कर क्या फायदा, बस हमें खजाना मिल जाए तो बहुत है। डायरेक्टर साहब, हमारे गांव वालों की आंखें बिल्कुल चील जैसी हैं, कौन कहां जाते हैं क्या करते हैं उन्हें सब पता चल जाता है, फिर भी उनकी नजरों से बचकर मैं तुम सबको लेकर यहां पर आ गया। आगे क्या करना ये तुम लोग सोचो, अब जल्दी से जल्दी खजाना निकालो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अब इतना कह रहे हो तो विश्वास कर ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए एक कोशिश करके देखते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अपना काम हो जाएगा। अरे ड्रैकुला, पूरा जंगल घूम कर आ गए, हमें कहीं डर नहीं लगा और तुझे देखकर डर लगने लगा। थू! ए पप्पू, और कुछ सुनाना है क्या? आपने सुना है उतना काफी है। तो थूक देना फिर इस पे। ए, कार के अंदर मत जाना, उसके अंदर भूत घुसा है। ए, भूत का बाप यहाँ बैठा है तो कार में क्या घंटा होगा? कुछ भी बोलता रहता है यार, थोड़ा निडर बनाओ इसे। अरे यार, बड़ी गंदी बदबू आ रही है। ए डायरेक्टर भाई, डर के मारे ना पैंट में ही हो गई है, थोड़ा सा पानी दे दो ना, धो के आता हूँ। पैंट तो निकाल लेता कम से कम, कितना गंदा आदमी यार। भाई जल्दी से पानी दो इसे। ये भगवान, इस कार में कैसे जाए, बहुत ही गंदी स्मेल है। अरे ओ गंदे कॉमेडियन, अच्छे से धो के आना। हाँ हाँ, तेरे जैसा नहीं हूँ कि खाना का के हाथ नहीं धोता चाटता है। कमीना, दोनों एक जैसे ही हैं। क्या है ये, हर हफ्ते नई नई फिल्म अनाउंस कर रहे हैं और हमें तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। जाने दो, कोई ना कोई तो आगे बढ़ रहा है। ओ डायरेक्टर भाई, आप फिल्म कब बनाओगे और कब रिलीज करोगे? सोचा था 2-3 फिल्मों में कॉमेडी रोल करूंगा और उसके बाद हीरो बन जाऊंगा, आप तो यहाँ किसी और की फिल्मों को लेके बैठ गए हो। ए कॉमेडियन भाई, पहले कॉमेडी तो ढंग से सीखो, बाद में हीरो बनने की सोचना। ओए डायरेक्टर भाई, ये पप्पू ना बहुत इज्जत उछाल रहा है, मैं जाके स्क्रिप्ट लेके आता हूँ, क्या करना है बोलो, मैं अभी करके दिखाऊंगा। कॉमेडी का सी भी ढंग से नहीं जानता और हीरो बनने का सपना देख रहा है, कहाँ से मिला आपको ये? समझ में आ रहा है क्या नाटक चल रहा है इन दोनों का? ए हीरो बनने के लिए कोई तो अंदर गुण होना चाहिए ना। ये लो आ गया। ये लो पकड़ो, कौन सा सीन करना है बोलो, अभी करके दिखाता हूँ। अरे जो करना है करो ना, मेरी फिल्म बनेगी नहीं बनेगी मैं इसी टेंशन में हूँ और तुम लोग अलग। नहीं तो डायलॉग अच्छे से याद कर लो भाई। हैं? अगर मैं एक बार चढ़ जाऊंगा तो गए समझो। कहाँ चढ़ते हो? स्टेज पे। गांव के सभी महानुभाव को इस कलाकार का सादर प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपना सारा कामकाज छोड़कर मेरी कला को सम्मान देने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे जरा भी हंसी नहीं आई। ओए अभी शुरू भी नहीं किया, चुप बैठना। अरे थू है तेरी जात का, माँ और बेटी के साथ गेम करने के बाद मेरे साथ भी गेम करना चाहता, थू है तेरे। डायरेक्टर भाई, पप्पू तो सिर्फ थूक कर चला गया, गांव वाले पिटाई करे इससे पहले बिठाओ इसे। ए तू क्या जानता है, वहाँ बैठकर ज्ञान पहनने के बजाय यहाँ की एक्टिंग करके दिखा। मैंने तो फिर भी कुछ किया ना, तू कुछ करके दिखा तब पता चलेगा।
ओए डायरेक्टर भाई, इसे कोई सीन देकर देखो, देखते क्या उखाड़ता है। क्या मेरे भाई, इसने तो इज्जत ही नीलाम कर दी, अब तुम्हें ही सबकी इज्जत बचानी होगी। पूरे देश में कहीं टीचर की, कहीं स्टूडेंट्स की, कहीं डॉक्टर्स की, हर जगह स्ट्राइक ही स्ट्राइक चल रही है। लेकिन जिसे स्ट्राइक का मतलब तक नहीं पता, देश की असली ताकत वो किसान है। शहरों में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ये वेयर होता है, वो वेयर होता है, लेकिन अपने खून पसीने की कमाई खाने वाला सिर्फ किसान होता है। शहर और गांव में बस इतना ही अंतर होता है। शहर में रहने वाला खून बहाता है, गांव में रहने वाला पसीना बहाता है। खून बहाने वालों से लोग डरते हैं और उन्हें हफ्ता देते हैं, जबकि किसानों से बैंक हफ्ता लेती है और न देने पर उनका जीना हराम कर देती है। गुंडे राज करते हैं और किसान अनाज उगाते हैं। गुंडा जान लेने के लिए हथियार उठाता है और किसान फसल काटने के लिए। गुंडा हथियार छोड़ेगा तो उसी हथियार से उसकी जान जाएगी, लेकिन किसान हथियार छोड़ेगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। ये सारी बातें मैं गुस्से से या जोश से नहीं कह रहा हूँ, किसानों की तकलीफ देखकर दिल से अपने आप निकल रही है। अब अपनी आंखें खोलकर देखिए, किसान देश की ताकत है। ऐसे भाषण देने की बजाय उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करके उनकी जान बचाइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि गूगल करने पे भी किसान नहीं मिलेगा। वक्त रहते समझ जाइए प्लीज। सारे लोग आ गए पर ये पप्पू अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है वो। ओ, वो देखो आ रहा है हमारा गाइड। ए पप्पू, कहाँ था तू, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ए, मेरी माँ ने टॉर्च को अलमारी में रख के ताला लगा के कहीं चली गई थी, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। मेरी दादी जल्दी मरने वाली है, फिर भी रात भर जगती रहती है। उसकी नजर से बचा के टॉर्च चलाने में थोड़ा टाइम लग गया। जल्दी से गाड़ी में बैठा, वरना तेरी बातें सुनते सुनते यही सुबह हो जाएगी। हाँ पता है, चल यार गाड़ी में बैठो। ए भाई गोपी, आगे देख के जल्दी जल्दी चल, क्या धीरे धीरे चल रहा है यार। आगे आगे बोल के पीछे क्यों पड़ गए हो आप? जा रहा हूँ ना भाई। हाँ? साला शहर में पानी पूरी बेचकर किसी तरह गाड़ी चल रही थी। शाम होते ही प्यारी प्यारी तितलियाँ आती थी, उन्हें देखकर कितना सुकून मिलता था। तुम लोग क्या समझोगे, तुम्हारी बात में आके जंगल में खाक छानने आ गया। खजाने के चक्कर में मेरा पसीना छूट रहा है यार। अरे बस करो, कोई आवाज सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाई, खजाना मिलते ही इसका हिस्सा देकर पहले इसे भगाऊंगा यहाँ से। पता नहीं ये खजाना कब मिलेगा। सोचा था कि जैसे ही खजाना मिलेगा हम अपनी फिल्म बनाएंगे, घुमाने फिराने की बजाय सीधे वहीं लेकर चलो, हम खोद के खजाना निकाल ले। अरे यार चलो, हम कितनी बार जंगल में आए हैं, ये आज तू क्या नए रास्ते से लेके जा रहा है। ए चुपचाप चलो, मुझे जगह अच्छी तरह से पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी तक इतना शांत क्यों है। तेरा टाइम हो गया, चल जल्दी कर। ए, ये क्या भाई, आपके पाइप से कितना मोटा पानी आ रहा है, लगता है इस जंगल को बहा के ही दम लेगा। अरे अब चलते हैं भाई। ए नागा भाई, अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज डायरेक्टर भाई, ये जंगल है, जानवरों की आवाजें तो आती ही रहती हैं। खजाने के बारे में पढ़ने के बजाय आप आवाज के पीछे पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फोकट का टेंशन ले रहे हैं। चलिए आप आवाज को लेकर बैठ गए। माँ जगदम्बा चंडी चामुंडी, रक्षा करना माँ, रक्षा करना। आवाओ खोदो खोदो। ओम चंडी चामुंडी। पप्पू क्या कर रहा है ये। ए, मेरी माँ एक मंत्र जपती, उसे ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चुप हो जा यार। तूने उसे बताया क्या हम खजाना निकालने जा रहे हैं। नहीं नहीं। अरे डायरेक्टर भाई, आपका ये हाथी गणपति बप्पा कब बन गया। बस कर वरना इसी जगह गाड़ दूंगा तुझे। वो कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना। यहाँ हम सिर्फ चारों काम कर रहे हैं, उस हाथी को मुफ्त में हिस्सा देंगे क्या। अरे तू खोद ना यार। खोद रहा हूँ यार।
मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं डांटा। देखो इस काम में 5 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। हिस्सा चाहिए? चल खोद देता हूँ। मैं जरा सुसु करके आता हूँ। साइड में हट। अरे कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, खोदो। ये आवाज कैसी है? छोड़ो यार अपना काम। पप्पू क्यों नहीं आया? हाँ वो भी आएगा, खोदो खोदो। अरे बाप रे, बहुत 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 भागो यार, क्या कर रहा है? जल्दी 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 निकलो निकलो। अरे निकलो। अरे बाप रे बाप रे, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है तू? चल जल्दी। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं? पता नहीं उसने क्या देखा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे पप्पू, पप्पू रुक, अरे मेरी बात सुन। डायरेक्टर भाई, हीरो भाई, अरे नागा भाई, सब कहाँ चले गए तुम लोग? अरे मुझे छोड़कर भाग गए क्या? हे भगवान, अरे बाप रे। डायरेक्टर भाई, कॉमेडियन भाई, डायरेक्टर भाई, आकाश भाई, अरे रुको मेरी बात सुनो। खुदाई का सामान वहीं पर है, वो सामान किसी और को मिलने से पहले हमें वो लेकर आना होगा। अगर गांव वालों को पता चल गया ना तो वो सब हमें मार मार कर इस गांव से भगा देंगे। मतलब हमें उस जगह फिर से जाना होगा? अरे नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं पानीपुरी में ही ठीक हूँ भैया। सुनो, मुझे नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद हमें फिर से वहां जाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं और पप्पू जाकर ले आएंगे। यहीं रुको। ए नागा भाई, रुको, हम भी साथ में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो। वोकली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना यार। मरवा के ही रहेंगे। चलो
इतनी मुसीबतें आ रही हैं इसका मतलब कोई दुष्ट शक्ति उस खजाने की रक्षा कर रही है। उस खजाने को हम लोग कभी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो दुष्ट शक्ति नहीं मानेगी। उस दुष्ट शक्ति को दूर करने के लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी तांत्रिक को साथ में लेकर जाएं तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। पड़ोस के गांव में एक स्वामी जी हैं, उनके पास चल के उन्हीं से बात करते हैं। हाँ बच्चों, तुम लोग जो काम कर रहे हो उसके लिए स्वामी जी से मिलना जरूरी है। हाँ? तुम लोग इस तरह मेरा मुँह क्यों देख रहे हो? लो कॉफी लो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तुम लोग फिल्म बनाने वाले हो ना, तो उसके लिए तुम सभी पड़ोस के गांव के स्वामी जी से एक बार मिल लो, तुम लोगों का काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दादी, हम मिल लेंगे। भगवान सबका भला करे। अब जाओ ना दादी। हाँ? मैं ले जाऊंगा इन्हें, तुम जाओ नीचे। ओम ह्रीम क्लीम। उस जगह जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। तुम लोग भाग्यशाली हो जो जीवित लौटे। उस दुष्ट शक्ति के हाथों मरने से पहले इसी वक्त वो गांव छोड़कर चले जाओ। यदि एक और रात तुम लोग यहाँ रुके तो उस दुष्ट शक्ति से कोई नहीं बच पाएगा। कोई रास्ता नहीं है स्वामी जी। सब कुछ जानने के बाद तुम लोग भूल कर रहे हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम लोग जानो। अब और क्या सोच रहे हो यार, स्वामी जी ने सब कुछ तो बता दिया। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं हजारों सपने लेकर यहाँ आया हूँ, उन सब पे पानी फेर कर यहाँ से जा नहीं सकता। मरने का डर कब का खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से खजाना लिए बिना नहीं जाऊँगा। स्वामी जी ने कहा मतलब वहाँ पे पक्का खजाना है। दिव्य शक्ति के आगे दुष्ट शक्तियों की नहीं चलती, गायत्री मंत्र के सहारे आगे बढ़ते हैं, जो होगा देख लेंगे। सिर्फ गायत्री मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, उस भूत के आगे हम लोग पानी कम चाय हैं। मतलब डायरेक्टर की कोई इज्जत नहीं है क्या? ए, सबसे पहले ना तुझे मारना चाहिए। हमें वहाँ कितनी बार लेकर गया, एक भी बार बताया कि वहाँ पर भूत है? स्वामी जी से मिलके हमें पता चला वहाँ भूत है, फिर भी मारना चाहते हो? ए, तू चल मेरे साथ, जब तक तू डायरेक्टर नहीं बनता पानी पूरी बेचकर तेरी जिंदगी चलाऊंगा। ए कॉमेडियन, अपनी बकवास बंद करो। क्या कॉमेडियन है, यहाँ से जिंदा जाएंगे तभी तो कॉमेडियन हीरो या डायरेक्टर बन सकेंगे, नहीं तो अपनी कहानी यहीं पर खत्म। यहाँ मेरी पैंट गिरी हो रही है और तुझे खजाने की पड़ी है। डायरेक्टर भाई, इस पर आपका क्या कहना है? देखो नागा, यहाँ आने के लिए हम सब एक साथ सहमत हुए थे, अब हम यहाँ से खजाने के बिना बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। तुम लोग नहीं आ पाए इसीलिए मैं आ गई तुम लोगों को ढूंढने। कहाँ हो तुम लोग? देखो भाई कॉमेडियन, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो यार? जिंदगी में जोश होना चाहिए भाई, जोश। जब से स्वामी जी की बात सुनी ना तब से मेरे होश उड़े हुए हैं, समझा? तुम लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है यार? जान हथेली पर लेकर सोगे तो नींद कैसे आएगी, आंखों में अच्छे सपने होंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से अगर स्वामी जी की बातों को सीरियसली लोगे ना तो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाबी बाहर में जाए, अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या घंटा ही लाएंगे? अरे थोड़ा शांत रहो यार, आगे क्या करना है मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, तुम लोग फालतू बातों से डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं 2 मिनट में आता हूँ। हे, अब ये कहाँ चला गया? हे डायरेक्टर साहब, अपने हीरो का नाटक तो देखो, कल तो खजाना खजाना करके उसके पीछे पड़ा हुआ था, आज देखो हसीना के पीछे पड़ गया है।
ओह तो उसके